अरे ओ वेलकम बैक भाइयों और बहनों, टीसीपी आईपी मॉडल ट्यूटोरियल नंबर 4 बाय ifactner.com की जानिब से। और पहनों तो प्राओ, भाइयों तो बहनों, गाइस एंड गर्ल्स, दोस्तों और दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर ऑफ टीसीपी आईपी की जो चार लेयर्स हैं उसमें एप्लीकेशन लेयर किस तरह काम करती है और उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन लेयर सेंडर साइड पे किस तरह काम करती है और रिसीवर साइड पे किस तरह काम करती है, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल में, वो हमारे यूजर के साथ और एप्लीकेशंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। ठीक है जी। तो लेट सपोज एज अ यूजर, अगर हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो जो कमांड है एप्लीकेशन जो जिस एप्लीकेशन में हम कमांड देते हैं वो किस लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है टीसीपी आईपी मॉडल में? जी हाँ, एप्लीकेशन लेयर के साथ। और एप्लीकेशन लेयर के पास उसकी हेल्प करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो है वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेब के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए होती है। उसके नीचे, उसके साथ ही बेसिकली हमारे पास और भी प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि बड़ी बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। और इसके साथ हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल है, जो कि स्टैंड करता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो मेल्स को सेंड और रिसीव करने में हमारी मदद करता है वो ये प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा भी और भी प्रोटोकॉल्स हैं और इन प्रोटोकॉल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है कि एप्लीकेशन लेयर के पास उसकी मदद के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो लेट सपोज अगर हमारे यूजर ने मेल सेंड करनी है, अगर हमने मेल सेंड करनी है और हम मेल का प्रोग्राम ओपन करते हैं और मेल की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वो मेल की एप्लीकेशन किस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करेगी? वो करेगी हमारे SMTP के साथ। इसी तरह अगर हमने वेब ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करनी है और हम लिखते हैं www.yahoo.com या www.youtube.com या www.ifactner.com, तो वो बेसिकली जो हमारा वेब ब्राउजर है वो किस प्रोटोकॉल के साथ एप्लीकेशन लेयर के डिस्कशन शुरू करेगा या काम शुरू करेगा, वो है हमारा HTTP। इसी तरह अगर हमने FTP:// करके कोई वेबसाइट के ऊपर हमने वेब अपलोड करने हैं तो हम FTP प्रोटोकॉल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है उसके रिलेटेड प्रोटोकॉल, लेट सपोज अगर हम मेल सेंड करें तो SMTP प्रोटोकॉल जो है वो डाटा को लेके हमारे नेक्स्ट लेयर को दे देगा, जो कि है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। और बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते, बल्कि एप्लीकेशन लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ पोर्ट्स की मदद से कम्युनिकेशन करती है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमारे पोर्ट्स के किस तरह काम करते हैं। तो लेट सपोज जो हमारे पास, अगर लेट सपोज एक मेल प्रोग्राम है, हमने मेल सेंड करनी है, तो वो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे किस प्रोटोकॉल के साथ डिस्कशन शुरू करेगा, किस प्रोटोकॉल के जरिए काम शुरू करेगा? जी हाँ, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली आगे एक पोर्ट नंबर के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और वो पोर्ट नंबर है 25। यानी कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, बल्कि ये पोर्ट्स के जरिए कम्युनिकेशन करेगा। और मेल के लिए
हमने आसानी के लिए पोर्ट नंबर 25 ओपन की हुई है. मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस पोर्ट्स का फायदा क्या होता है. तो लेट सपोज अगर हमारे पास हमने वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है और वेब के ऊपर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे. जी हाँ, HTTP. और HTTP की पोर्ट मेरे ख्याल से हम में से ज्यादा लोगों को पता है कि कौन सी होती है, 80. तो यानी कि अगर वेब की ट्रैफिक है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ जो हमारा ये कौन सी लेयर है ऊपर, एप्लीकेशन लेयर, ये पोर्ट नंबर 80 के साथ डिस्कशन के जरिए अपनी डाटा को सेंड करना शुरू करेगी. और इसी तरह लेट सपोज अगर हमने FTP का प्रोग्राम ओपन किया हुआ है तो हमारी बेसिकली लेट सपोज मैं कोई बहुत ज्यादा अपने पेजेस को अपलोड कर रहा हूँ FTP प्रोग्राम के जरिए, तो ये कौन से बेसिकली प्रोटोकॉल को यूज करेगी. जी हाँ, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और यूजुअली ये पोर्ट नंबर 21 पे ऊपर कम्युनिकेशन शुरू होगी. तो एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में पोर्ट्स के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं. अब हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि सेंडर साइड के ऊपर अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन हो तो वो किस तरह काम करता है. अब हम रिसीवर एंड पे देख लेते हैं कि लेट सपोज जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जैसे ही पैकेट्स आ गए और ट्रांसपोर्ट लेयर को पता है कि ये पैकेट जो है ये एक ईमेल आई है और ये कौन से प्रोग्राम के लिए है, ये ईमेल प्रोग्राम के लिए है, तो वो क्या करेगा, पोर्ट नंबर 25 को ओपन करेगा और पोर्ट नंबर 25 के जरिए हमारी एप्लीकेशन लेयर के कौन से प्रोटोकॉल से डिस्कशन शुरू करेगा, SMTP. और फिर वो जो है हमारा जो प्रोटोकॉल है वो हमारे प्रोग्राम के साथ, ईमेल प्रोग्राम के साथ डिस्कशन शुरू कर देगा. तो पोर्ट्स का ये फायदा होता है कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर को पता चल जाता है एट द रिसीवर एंड कि उसने कौन सी पोर्ट को ओपन करना है और फिर कम्युनिकेशन करनी है. तो इसमें ये होता है कि कई दफा हमने अपने सिक्योरिटी की वजह से फायरवॉल्स में FTP की पोर्ट नंबर 21 को डिसेबल किया हो, तो अगर कोई FTP के जरिए हमारे पैकेट्स भेज रहा है तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट को ओपन नहीं कर सकेगी. तो बेसिकली ये पोर्ट्स का फायदा होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को एक तो पता चल जाता है कि उसने कौन सी पोर्ट ओपन करके आपको डेटा को सेंड करना है और रिसीव करना है, और दूसरा ये कि रिसीवर एंड पे उसको आसानी हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है. ठीक है जी. इसी तरह अगर वेब का कोई हमने वेब एड्रेस दिया था, वेबसाइट का हमारे पास डेटा पैकेट्स में आया, पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर ने कन्वर्ट किया और फिर वो जो पैकेट्स हैं वो HTTP प्रोटोकॉल को दे देगा और HTTP प्रोटोकॉल आगे हमारे वेब ब्राउजर को दे देगा. और ये तमाम के तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कौन सी लेयर पे कन्वर्ट काम कर रहे हैं, किस लेयर के लिए काम कर रहे हैं. जी हाँ, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए काम कर रहे हैं. तो दोस्तों, इस तरह बेसिकली हमारी एप्लीकेशन लेयर TCP/IP मॉडल में काम करती है. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह काम करती है. अगर आपको मजीद मालूम चाहिए हैं तो ifactner.com को विजिट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टेक केयर. बाय बाय.